सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में आपका टॉपिक है संज्ञा, वो समझाने वाली हूँ। ठीक है, संज्ञा का जो टॉपिक है बच्चों, वो हर क्लास में क्या करवाया जाता है, कहने को बहुत आसान टॉपिक होता है, लेकिन अगर बच्चों से हम पूछें कि संज्ञा क्या होती है, तो बच्चे रटी रटाई एक परिभाषा तो बता देते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें से अगर ये पूछा जाए कि इसमें संज्ञा है क्या, तो वो बच्चा बता नहीं पाता है कि इसमें संज्ञा क्या है, क्योंकि उसने केवल परिभाषा रटी है, समझी नहीं है परिभाषा। तो आज मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा पे ही चलते हैं, क्योंकि आप लोग परिभाषा याद कर चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर वाक्य में कोई नाम आ रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी पशु का, किसी पक्षी का, किसी पुस्तक का, किसी पर्वत का, ठीक है, कोई नदी हो, मतलब कहने का कोई भी नाम हो, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये बात दिमाग में रखो, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, वो नाम किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंसानों का ही नाम हो, फिर वो चाहे कोई पर्वत हो, कोई नदी हो, कोई पुस्तक हो, कोई समुद्र हो, ठीक है, कोई स्थान ही हो सकता है, वो स्थान जैसे बैंक है, अस्पताल है, जंगल है, ये सब जगहों के नाम हैं। ठीक है, तो नाम होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी स्थान का हो, या फिर एक होता है भाव, भाव होती है भावनाएं, ठीक है, फीलिंग्स, उनको भी हम संज्ञा के रूप में ही लिखते हैं। तो ये हो गई आपकी संज्ञा, कि संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले किसी वस्तु का नाम, वस्तु, जिस वस्तु क्या होती है, कोई भी निर्जीव चीज़ जिसे हम छू सकते हैं वो वस्तु होती है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, निर्जीव होती है वो होती है वस्तु। ठीक है, सजीव को हम व्यक्ति में गिनते हैं और निर्जीव चीज़ों को हम वस्तु में गिनते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी है, पुस्तक है, ये क्या है, वस्तुएं हैं, थिंग्स। ठीक है, इन सब, कोई भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब संज्ञा होती है। उसमें पंखा आ गया आपका, अलमारी है, पंखा है, ठीक है, चाहे आप घर का, रसोई का कोई भी सामान लगा लो, घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, बाहर की, मतलब जो भी वस्तुएं हैं जो हम प्रयोग में लेते हैं, सब वस्तुएं संज्ञा होती हैं। दूसरा है व्यक्ति के नाम, व्यक्ति में क्या है, कोई भी इंसान का नाम है, जैसे कि राम, गीता, बच्चा, अध्यापक, डॉक्टर, ये सब कौन है, इंसान है, व्यक्ति में आएंगे। ठीक है, राम, गीता, बच्चा, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद आता है स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान में जैसे बच्चों आगरा, दिल्ली, लेकिन जरूरी नहीं है शहर या देश का ही नाम हो, जैसे जंगल है, जंगल भी एक स्थान है, कैसा स्थान, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं वो जंगल है। अस्पताल एक स्थान है, जहाँ मरीज का इलाज होता है वो स्थान क्या होता है, अस्पताल। बैंक, बैंक भी एक स्थान है, ठीक है, जहाँ पैसों का लेन देन होता है वो बैंक है। तो इस तरह से ये भी सब क्या, पार्क है, पार्क क्या है, घूमने फिरने की एक जगह, जगह का मतलब स्थान। तो स्थान में ये सब चीज़ें आएंगी, कोई शहर या देश का ही नाम नहीं आएगा, जंगल, बैंक, अस्पताल, पार्क, ये सब क्या आ जाएगा, स्थान के नाम में आएंगे। उससे आगे है भाव का नाम, भाव क्या होता है, भाव होती है भावनाएं, फीलिंग्स, जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, देख, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसको हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं बच्चों भाव। जैसे मित्रता, दोस्ती, क्या हम दोस्ती कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, नहीं। मित्रता का एक भाव होता है, भावना होती है हमारे मन के अंदर, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। मिठास है, मान लो हमने कोई मीठी चीज़ खाई, ठीक है, तो हमने खाई, तो मान लो एक लड्डू है, खाया तो लड्डू है,
लेकिन उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, मीठा। तो उसकी हमने मिठास को क्या किया, महसूस किया है। मिठास ना कोई देखने की चीज़ है और ना ही छूने की चीज़ है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं, वो भाव होता है, ठीक है, वो भी एक संज्ञा होती है। उसके बाद आता है इमारतों का नाम। मान लो कोई भी इमारत, इमारत मतलब बिल्डिंग्स के नामों को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब इमारतों के, बिल्डिंग्स के नाम है फेमस, वो भी सब संज्ञाएँ होती हैं। पशु पक्षियों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे शेर है, मोर है, चिड़िया है, कबूतर, जितने भी दुनिया में पशु पक्षी हैं उनके नाम को भी हम संज्ञा ही कहते हैं। अगर शॉर्ट में बताएं बच्चों, तो दुनिया में कोई भी नाम है, हर नाम संज्ञा कहलाता है। बस शॉर्ट में अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप वाक्य में आसानी से पहचान सकते हैं कि संज्ञा कौन सी है। तो ये तो था आपका संज्ञा की होती क्या है। इसके बाद आता है बच्चों संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के तीन भेद करवाए जाते हैं, होते ही है। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें आप अंतर कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, जो शब्द किसी एक को, एक चीज़ का, एक व्यक्ति का, एक स्थान का बोध कराए, वो व्यक्ति। नाम से तो व्यक्ति ऐसा लगता है कि केवल इंसानों के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, नहीं बच्चों, जो चीज़ सिर्फ एक चीज़ का बोध कराए। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आगरा, आगरा कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन वो एक स्थान है, एक स्थान का बोध करा रहा है, क्योंकि आगरा एक ही है, कोई 20-30 नहीं है, बहुत सारे नहीं है, सिर्फ एक स्थान का नाम है आगरा। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे में, अब ये तो था स्थान वाला, अगर मैं कह देती हूँ आपको मोहन या फिर महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी तो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है, ठीक है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कह दिया कि लाल किला, अब लाल किला कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर्टिकुलर हम दिल्ली के लाल किले के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे इमारत का, चाहे पर्वत का, चाहे नदी का, किसी का भी नाम हो, लेकिन अगर वो एक चीज़ का बोध करा रहा है, हमें ज्ञान करा रहा है, तो वो सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। इसके बाद आता है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जाति, जाति का मतलब पूरा समूह, जाति शब्द का मतलब ही, जाति से हमें पता चलता है कि पूरी समूह के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो शब्द हमें पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर शब्द आ गया, अब यहाँ पर शहर शब्द की जगह देखो आगरा, अगर मैंने लिखा आगरा, ठीक है, दो शब्द हैं, एक शहर और एक आगरा। आगरा व्यक्तिवाचक है और शहर बेटा जातिवाचक है, कारण आगरा एक है। आगरा से हमें पता चलता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक आगरा शहर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शहर जो शब्द है वो क्या है, कोई भी शहर हो सकता है, दुनिया का कोई भी शहर। तो ये पूरे शहर जाति का बोध करा रहा है। पक्षी है, पक्षी की जगह मैंने तोता लिख दिया, तो ये तो बेटा तोता शब्द तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सिर्फ एक तोता के बारे में बात हो रही है, लेकिन पक्षी जो शब्द है वो दुनिया में जितने भी किस्म के पक्षी हैं, जितने भी प्रजातियों के पक्षी हैं, सभी के बारे में बात हो रही है। पक्षी शब्द सभी के लिए आया है, तो यहाँ पर पक्षी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। अब फल है, फल कोई एक तो नहीं है, फल कोई भी फल, आम हो सकता है, केला हो सकता है, संतरा हो सकता है, मतलब कोई भी फल, पूरी फल जाति के बारे में बात हो रही है। फूल, ऐसे ही फूल भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो सभी फूलों के बारे में बात हो रही है। हाँ, अगर फूल का नाम हम कह दें गुलाब, शब्द आया गुलाब, तो गुलाब तो एक ही किस्म का है, ठीक है, तो वहाँ वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन फूल शब्द जो है वो जातिवाचक, क्योंकि फूल तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये समझ आया बच्चों। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाव में मैंने अभी पहले भी बताया कि भाव क्या होता है, फीलिंग्स होती हैं,
ठीक है, ना उनको हम छू सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे गर्मी, अब गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है, गर्मी है, तो गर्मी क्या होती है, गर्मी हम महसूस करते हैं। ठीक है, मौसम में किसी को ज़्यादा गर्मी भी लग सकती है, किसी को कम भी लग सकती है, वो उसके फील करने के ऊपर होता है। लेकिन हम गर्मी को देख नहीं सकते हैं, ना ही हम उस गर्मी को छू सकते हैं। जैसे हम वस्तुओं को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे जो भाव होते हैं ना उनको छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, उनको केवल महसूस किया जाता है। जैसे ममता है, माँ की ममता, अब माँ की जो ममता है उसे बच्चा महसूस करता है, देखने की चीज़ नहीं है, वो छूने की चीज़ नहीं है, केवल ममता महसूस कर सकता है बच्चा। ठीक है, तो ये है आपके भाववाचक संज्ञा में। अब हम जो थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको संज्ञा का टॉपिक यहीं तक समझाते हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन अब जो फिफ्थ क्लास में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाते हैं बच्चों। तो थर्ड फोर्थ के बच्चों को यहाँ तक करवाते हैं, बहुत है। अब थोड़ा सा फिफ्थ वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे कि आगे एक चीज़ और आती है कि जो ये आपका सेकंड टॉपिक था जातिवाचक संज्ञा, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं इसके, दो और भेद होते हैं। एक होता है समूहवाचक और एक होता है बच्चों द्रव्यवाचक। अब ये समूहवाचक क्या होता है और द्रव्यवाचक क्या होता है, ध्यान से समझो। समूह में जो शब्द हमें बहुत सारे लोगों के बारे में ज्ञान करा रहा है, जैसे कक्षा, अब कक्षा किसी एक बच्चे से तो बनेगी नहीं, कक्षा में 15 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 बच्चे भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं क्लास। ठीक है, तो कक्षा शब्द सुनकर ही हमें बहुत सारे बच्चों की फीलिंग आती है कि उस कक्षा में मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे। ऐसे भीड़ है, भीड़ शब्द, अब भीड़ किसी एक इंसान से तो होगी नहीं, ठीक है, भीड़ में मतलब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तब वो भीड़ बनती है। तो ये एक समूह बन जाता है, भीड़ लोगों का समूह बन जाता है, कक्षा स्टूडेंट्स का समूह हो जाता है, टोली जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो समूह होता है उसको टोली बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक ही कैटेगरी के लोगों का जो समूह होता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुच्छा शब्द, ठीक है, गुच्छा, गुच्छा शब्द सुनकर आपको क्या महसूस होता है, क्या दिमाग में आता है कि एक चाबियों का भी गुच्छा हो सकता है, ठीक है, फूलों का भी एक गुच्छा हो सकता है। तो इस मतलब एक ही तरह के बहुत सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो एक समूह बन जाता है उस चीज़ों का। ठीक है, जैसे कि गाय का झुंड, अगर झुंड कह दें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे पशु इकट्ठे हो गए हैं, तो गायों का झुंड। तो इस तरह से जब एक ही जाति के बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जीवों को इकट्ठा करते हैं तब जो शब्द बनता है वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आएंगे, जिन वस्तुओं को हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लिक्विड चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर वो आती हैं इसमें, या फिर धातुएं, जो मेटल्स होती हैं, सोना चांदी ये सब। कहने का मतलब जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं लेकिन हम उनको गिन नहीं सकते हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, अब सोना है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि एक सोना दो, दो सोना दो, पाँच सोना दो, ये नहीं होता। ठीक है, सोना तोला जाता है, ठीक है, इतने तोला, इतने एक तोला दो तोला, ये हम तोल के ले सकते हैं। घी है, अब घी एक घी दो घी चार घी ऐसे तो नहीं होता, घी को हम एक किलो दो किलो तीन किलो इस तरह से करते हैं। तेल है एक लीटर दो लीटर तीन लीटर, मतलब उसको हम तोल के तो बता सकते हैं उसकी मात्रा को, लेकिन हम गिन के नहीं बता सकते। ऐसी चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा में गिना जाता है। है तो ये वस्तुओं के नाम, अब सोना, सोना क्या है, एक वस्तु है, घी क्या है, एक वस्तु है, तेल क्या है, एक वस्तु है, तो है तो ये संज्ञा, हमें पता है कि ये संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कारण, क्योंकि हम इनको तोल सकते हैं लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये जो संज्ञा का टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चे अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको कितना समझ आया या नहीं आया, और अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद।